अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा बोहरवा खुर्द में, और मैं मौजूद हूँ यूपीएससी मेंटर जनाब नासिर खान के निवास स्थान बोहरवा खुर्द में। आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी के बच्चों को ये तैयारी कराते हैं, और आज ईद उल अजहा के मौके पर अपने ग्राम सभा बोहरवा खुर्द अपने निवास स्थान आए हुए हैं। तो ईद उल अजहा का मौका है, मैं भी इनके निवास स्थान बोहरवा खुर्द पहुंचा हूं। तो आइए हम दोनों लोग से बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे भी शख्स मौजूद हैं जो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर शायर व कवि हैं, जिनका नाम बागी बलिया के लाल है, अरशद हिंदुस्तानी है, जो शिक्षा एक समान जैसे मुद्दों को लेकर के आज देश के तमाम राज्यों में दंडवत यात्रा करते हुए दिखाई देंगे आपको सोशल मीडिया पे, और कभी गरीब बच्चों में कापी कलम किताब बांटते हुए दिखाई देंगे। और तमाम राज्यों में इन्होंने शिक्षा एक समान को लेकर के संघर्ष भी किया है, तमाम राज्यों की पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी की है, आप सोशल मीडिया पे देखे भी होंगे, अखबारों में देखे होंगे। तो आज दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं सबसे पहले यूपीएससी मेंटर जनाब नासिर साहब से बात करूंगा। आज ईद उल अजहा का मौका है, पूरा देश जो है आज ईद उल अजहा बड़ी धूमधाम से मना रहा है, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई है, कुर्बानियां जानवरों की जा रही है। तो आइए हम ले चलते हैं नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सोशल मीडिया चैनल पे, और दर्शक आपको देख रहे हैं, अक्सर आपको सोशल मीडिया पे देखा जाता है। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें आप तमाम यूपीएससी के बच्चों को जाकर के उनका हौसला अफजाई किया, और आपका भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप यूपीएससी के बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं। तो आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आपके पास हम आए हैं आपके निवास स्थान पे। तो आज ईद उल अजहा का मौका है, आप कुछ कहें दो बात। सुफियान, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और ईद उल अजहा के मौके पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो फेस्टिवल है ये कुर्बानी का फेस्टिवल है। तो कुर्बानी का मतलब होता है त्याग, तो इस फेस्टिवल का मतलब है त्याग, समर्पण और संघर्ष। आपने दुनिया में देखा होगा जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, अब्राहम लिंकन हो, इन्होंने अपने जिंदगी में इतनी ऊंचाई इसीलिए पाई क्योंकि इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत त्याग किया। ये एक छोटा सा वर्ड है कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी के बहुत सारे मायने हैं, ठीक। और आज से नहीं, ये जो ट्रेडिशन है, ये परंपरा, ये सदियों से चली आती रही है, जो सेक्रीफाइस करना जिसको कहते हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी इसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एक बहुत बड़ा रोल है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और जो भी इंसान अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, या आप जिस भी लाइन में संघर्ष कर रहे हैं उसमें बहुत सारे आपको त्याग भी करने पड़ सकते हैं, उस त्याग को करिए और अपने जिंदगी को बेहतर बनाइए। जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में रहते हैं आप, वहां पे शिक्षा के लिए जरूर काम करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ जो सभी हमारे देश के वासी हैं उन सभी को मैं इस त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आपसे एक सवाल है, अभी आप कुछ दिन पहले तमाम यूपीएससी के बच्चों को सम्मानित भी किया, आप उनका हौसला अफजाई किया, तो यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से आपका सिलसिला लगातार जारी रहा, आप तमाम राज्यों में गए, कभी जम्मू कश्मीर गए, कभी कन्याकुमारी गए, तो वो भी एक साझा करिए, आपका वो सफर कैसा रहा? देखिए, मेन जो कोर बात है वो है शिक्षा, एजुकेशन। अब शिक्षा में बहुत सारी चीजें आती हैं, शिक्षा में आप बहुत सारे कोर्सेस करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हमारा ये मोटो रहता है कि बदलाव के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं समाज में, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है बदलाव के लिए वो है शिक्षा, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे वो शहरी स्तर पे हो, या जहां भी हो, समाज का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित होते हैं तो हर स्तर से आपके अंदर बदलाव आना शुरू होता है, हर लेवल पे आपके अंदर बदलाव आता है। जहां तक बात है कि मैं कश्मीर, रांची, बहुत सारे स्टेट में जाता हूं, झारखंड, बिहार, तो उसका मकसद ये होता है, जैसे मैं कश्मीर का एग्जांपल ले लूं, तो वहां पे दिल्ली से लोग कम जाना चाहते हैं गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को। तो हम लोग का ये पर्पज रहता है कि जहां कंफर्टेबल है वहां तो सभी जा रहे हैं, उन जगहों पे भी हम लोग जाएं जहां कोई नहीं जा रहा है, और उन बच्चों की हेल्प करें, वो एजुकेटेड हों, देश की मुख्य धारा से जुड़े,
क्योंकि शिक्षा जो है राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा अंग है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र को अगर सशक्त बनना है तो दो चीज बहुत जरूरी है कि उस राष्ट्र के लोगों को शिक्षित करिए, आत्मनिर्भर बनाइए, और तीसरा स्किल्ड स्किल आनी चाहिए। तो मेरे अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि शिक्षा के लिए हर जगह जाना, उसका प्रचार करना, लोगों को जोड़ना और शिक्षा के मार्ग पे लाना। जिस तरीके से देखा जाए आप बागी बलिया की धरती से आते हैं, बलिया एक क्रांतिकारी धरती रही है और बलिया से ही आप आते हैं, बलिया में ही आपका निवास स्थान है, आप वारवा खुर्द के निवासी हैं। तो बेलथरा रोड एक क्षेत्र पड़ता है बलिया में, जो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र में भी आता है सलेमपुर में, तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मेरा खुद का आकलन है तो यहाँ का समाज, यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, सारी चीजें ठीक है, अपने हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आप जब यहाँ से बाहर निकल के अन्य जगहों पे भारत में ही जाएंगे तो वहां पे जब चीजें आप देखते हैं कि वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ टीचरों का स्तर क्या है, वहां पे कितनी फैसिलिटीज है, तब समझ में आता है कि यार हमारा एरिया तो अभी शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर बहुत अफसोस होता है उसके लिए। और हम लोग प्लानिंग भी करते रहते हैं, और जब मैं घर आता हूँ तो ये अरशद हैं और भी इनकी टीम में बहुत सारे लोग, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, छात्रों को मोटिवेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जिस तरीके से हो सके। और फ्यूचर में भी हम लोग की प्लानिंग यही है कि हम लोग शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र के लिए सहयोग कर सके और करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये थे यूपीएससी मेंटर जनाब नासिर खान साहब, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी की बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे मशहूर शायर अरशद हिंदुस्तानी और कवि अरशद हिंदुस्तानी से। आज ईद उल अजहा का मौका है, तो अरशद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में, और आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं। अक्सर आपको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, आपकी गजल, आपकी नज़म और आप शिक्षा एक समान को लेकर के हमेशा संघर्ष करते आ रहा है। कभी आप छोटे छोटे बस्तियों में, गांव में, हर जगह कलम कापी किताब भी बांटते नजर आते हैं, अक्सर आप सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। तो आज आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज ईद उल अजहा का मौका है, दो बात आप भी कहें अगर कहना हो तो। जय हिंद। सबसे पहले मैं देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे साथ में बड़े भैया नासिर खान साहब, जो कि यूपीएससी मेंटर हैं, वो मौजूद हैं, उनके बीच हम मौजूद हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अभी सारी एजुकेशन की बात, शिक्षा की बात इन्होंने अपने कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कही, जिसको कहते हैं गागर में सागर बनना। और कुछ दिन पहले भी नासिर खान साहब आए थे तो इन्होंने हमसे कहा कि अरशद कुछ बच्चों को काफ़ी कलम बांट दिया जाए, तो हम लोग ने रामपुर कुंडेल रामसभा में आता वहाँ पर हम लोग बांटे थे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग नासिर खान साहब से सीखते हैं। तो आज ईद उल अजहा का मौका है, तो हम चाहते हैं देशवासियों को, पत्रकार महोदय मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शिक्षा पर सारी बातें होती है, सिर्फ मैं एक ठीक है कि या मिट्टी से जो वादा निभाना जानते हैं हम, कि या मिट्टी से जो वादा निभाना जानते हैं हम, कि या मिट्टी से जो वादा निभाना जानते हैं हम, वतन के नाम पे सब कुछ लुटाना जानते हैं हम, वतन के नाम पे सब कुछ लुटाना जानते हैं हम, किया मिट्टी से जो वादा निभाना जानते हैं हम। अरशद जी, एक नज्म जो शिक्षा एक समान को लेकर के आप चल रहे हैं, तो शिक्षा एक समान देखा जाए, जिस तरीके से आप दंडवत यात्रा करते रहते हैं, तमाम राज्यों में आप जाते हैं और प्रधानमंत्री तक आप जाते हैं, लेटर देते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो शिक्षा एक समान पर भी आपकी एक नज्म बहुत वायरल हुई थी, जरा दर्शकों तक अगर पढ़ दे तो बहुत बेहतर रहेगा, सुना देते हैं। कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए,
हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए, ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। अपने बच्चों को परदेश पढ़ाते हैं वो, बात नफरत की करके लड़ाते हैं वो, नफरतों को मिलकर मिटाएंगे हम, दीप शिक्षा का मिलकर जलाएंगे हम, मुझको उज्जवल ये मेरा कल चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए।